अभी 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 आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओ, आपकी भी क्लियर आ रही है। होता है कैसे ये हो आप? आजकल टेक्नोलॉजी। जी मैं अच्छी हूँ। हाय एवरीवन, इसलिए मुझे ये रखना शंकर। पड़ा। या आई थिंक यही अच्छा है कि यू नो योर फोन हो। दामोदर क्लियर हसमुख, आवाज आ रही है। हाय भाविक, सरगम राव। मुकुल, सरगम राव मेरी सिस्टर है। अच्छा थैंक यू। आपकी सिस्टर कितनी हाँ सपोर्टिव है। ये अलका राव की सिस्टर है। हाँ वाह, हाय दोस्त, नेहरस दोस्त। अभी सामने ही बगल वाली रूम से देख रही है। यही होता है सपोर्टिव फैमिली। मेरे पापा भी बगल में बैठ के हाय मिहिर, सुभाष, सुभाष सोनी हाय। तो मेरे पापा भी दूसरे रूम में बैठ के बीच बीच में कमेंट देते रहते हैं। ये सपोर्टिव होना चाहिए। बिपिन, राव, प्रियंका, आई थिंक आपकी पूरा होल फैमिली आ गया है। आई एम जस्ट लविंग इट। ओके, सो बताओ व्हाट इज द प्लान। एंड ये बीच बीच में ना लोग, आई थिंक बड़ा, मुझे पता है एक चीज बहुत इरिटेटिंग लगता है कि हमने ना पोस्ट कर रखा है कि हम लाइव जा रहे हैं, फिर भी लोग हाँ ना आज उसी टाइम पे फोन करेंगे देखने के लिए। हाय सम्राट, हाय पापा। सो यू नो मैंने वो तो फोन फ्लाइट करेंगे देखने के लिए कि हम उनके लिए हाँ फ्लाइट मोड पे ये कर सकते हो ना, मैं वाईफाई। हाँ। ओके, मैंने देखते फ्लाइट हैं में ही अभी डाल अभी रखा है। डिस्ट। ओके, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई डू दैट। ओके, सो तो आज हम क्या लोग सम्राट, राहुल, हाय, हाँ बात सुभाष, हाय, करेंगे। हाँ आप रिप्लाई मिल पर या फर्स्ट रिप्लाई पर दे दो आप। क्या है। जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते हैं कि और बेटर दिखो, और अच्छी दिखो, क्योंकि मेकअप हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हेयर कर रहे हैं। अक्षय हाय, मुकुल कैसे हो। लगता है कि और तो थोड़ा मेकअप बेटर किट कर लेकर ले, सो बैठो आप फिर। दैट मेकअप। मैं अभी क्या करती हूँ, बस लिपस्टिक ज्यादा लगाती हूँ, काजल थोड़ा लगाती हूँ, और मेकअप में कुछ नहीं लगाती हूँ। तो हेयर स्टाइल ये सब थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ता है कि क्या अच्छा लगेगा मूड के लिए, मूड के हिसाब से। राहुल हाय, या सुभाष नमस्ते। हाँ, सो आप पूछ रहे थे कि आई थिंक ये कैसे चल रहा है हमारा, क्या कहते हैं, लॉकडाउन। मेरा लॉकडाउन बहुत ही बिजी चल रहा है। ऐसा हो रहा है कि मेरे दिन में ना बहुत असाइनमेंट्स रहते हैं शूटिंग के, और ये ऐसे लाइव वीडियोस होते हैं। फिर आपको भी पता है कि मेरा भी खुद का टॉक शो है, मैं लिखती भी हूँ सिंगी की। अरे मेरा मैसेज नहीं शो कर रहा है क्या, सिंगी की, यस दिखाई दे रहा है। मुकुल, मुकुल ही इज अ फुटबॉलर, मुकुल नो, या ही इज अ फुटबॉलर फ्रॉम ही प्लेज फॉर टीम दिल्ली हरियाणा से शुरू किया। सो दे आर ऑल माई फ्रेंड्स सपोर्टिव। सो आई थिंक ये लॉकडाउन में फ्रेंड्स बहुत काम आ रहे हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दूर से। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं एंड दुनिया भर के फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक लाइव वगैरह से उनके साथ कनेक्टेड हो जाती हूँ मैं। एंड डैशिंग डे हाय। अच्छा सो वीर, आपका क्या चल रहा है, आप बॉम्बे में हो या घर गए हो, क्या है आवाज सीन आपका, फंस रही है आपकी। क्या हो रहा आवाज आपकी फंस रही है। सच मेरी आवाज आ रही है ना? चिपकी। हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो आज हम लोग बातें करेंगे आपकी लाइफ जर्नी पे। आपने तेलुगु में, हिंदी में और वेब सीरीज भी कर रखा है। आगे का क्या प्लान है और कैसा जर्नी रहा? आप रहने वाली उड़ीसा की हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो, और मुंबई में कैसा जर्नी रहा? इसी को लेकर तो आपके काफी ज्यादा फैंस जुड़ रहे हैं,
तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा वो कि आप बोलिए। नहीं, आपका सवाल पूछे मैं बताती। हाँ, तो काफी समय मैं इस समय पढ़ाई किया था स्कूल टाइम से, एंड वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले डिबेट कंपटीशन वगैरह में भाग लेने के लिए। तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था ही, मैं अंग्रेजी वगैरह में टॉपर थी, लाइक जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें मैं बहुत अच्छा करती थी। ये मैथ साइंस मुझसे होता नहीं था, बट मुझे ना अपनी काबिलियत प्रूव करने का बड़ा मन था, कहीं ना कहीं था कि क्या मैं एक बड़ी एक्ट्रेस हो सकती हूँ, जो कि दूर की बात थी। पता है हमारे फैमिली में हाई सोशल, सो यू नो हमारे खानदान में ज्यादातर हॉलीवुड बाद हाई, तो यू नो ज्यादातर आई थिंक लेक्चरर प्रोफेसर ही शायद बने आप, हैं हाँ, गर्ल्स। आपके फादर भी लेक्चरर है ना? जी, अंग्रेजी के। हाँ, सो ये अंग्रेजी के। अच्छा, थिंकिंग, जी, तो ये थिंकिंग हमारे घर में था कि आइदर मैं जर्नलिस्ट बनूंगी बीबीसी में, या फिर यू नो लेक्चरर बनूं अंग्रेजी में। बट मेरा हमेशा वो ग्लैमर वर्ल्ड में इंटरेस्ट था। मुझे ना अपने फ्रेंड, क्योंकि यू नो पढ़ाई में कभी कभी ना वो साइंस मैथ्स में अच्छा नहीं होता था, तो मुझे क्या लगता था मैं ना दूसरी चीजों में कुछ अवार्ड विन करूँ अपने स्कूल के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए ना नाम ऊंचा करूं, फिर ना मुझे सब सराहेंगे। जो टीचर्स कभी कभी मम्मी पापा को कंप्लेन करते थे कि आपकी बेटी अच्छी अच्छा नहीं पढ़ रही है, वो मैथ्स में फेल हो गई, ये सब सुन के मुझे लगता था हाय सच्ची। मुझे लगता था कि मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ जिससे ना मम्मी पापा का सर हमेशा ऊंचा रहे मेरे लिए। तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि मैं मैथ्स ये सब नहीं कर सकती, मगर मुझे हाय संकेत, मगर मेरी समझ में आ गया कि मैं स्कूल कॉयर ग्रुप में गाना गाती थी, डिबेट कंपटीशन एलोक्यूशन में ना मैं यू नो पीजी लेवल के बच्चों को हराती थी जब मैं ना यू नो स्कूल में थी, क्योंकि मेरे पापा मुझे लिख के देते थे और मैं रट के बोल देती थी। तो ऐसा होते होते ना मुझे गवर्नर अवार्ड्स मिलने लगे, फिर मुझे रिकॉग्निशन मिला स्कूल कॉलेजेस में, यू नो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाने के लिए, ऐसे लेकिन यू नो आप कम उम्र में कैसे कर सकते हो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वाइस चांसलर अवार्ड, चीफ मिनिस्टर, इन सब के साथ ना लंच डिनर ये सब होता था, लेकिन वो सारे जो बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ। तो उसका मजा आने लगा मुझे एक यंग एज से ये सब अचीव करके। तो आई थिंक वहां से मुझे फेम भी अच्छा लगा, क्योंकि यू नो सोचो आपको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, यू नो कहीं पे रिबन काटने के लिए कोई बुक पकड़ के बोलो कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, बिकॉज आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा सोचने के लिए कि आप कहाँ क्या कर सकते हो। हाय सलील, हाय सुहाना, हाय पापा, पापा है वहां पे ग्लोबल पोइट शैलेंद्र, हाय राहुल। सो यू नो वो जो होता है ना चस्का कि हम कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और फिर अपॉर्चुनिटीज मिलते गए मुझे। ओरिसा में ना म्यूजिक वीडियोस बहुत चलते हैं, ठीक है, वहाँ का कल्चर जैसे इट्स वेरी पॉपुलर, टीवी में छा जाते हैं, रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। तो मुझे ना ऐसे आई थिंक मिलने लगे कुछ म्यूजिक वीडियोस, एंड या राहुल भी बोले सही है, थैंक यू, मेरा ये अच्छा लगा आपको, मैं मेहनत करके आप सभी के लिए तैयार हुई हूँ। फिर वहां से मुंबई की तरफ कैसे आना हुआ? या बिकॉज यू नो जो म्यूजिक वीडियोस करते वक्त ना मुझे लेकिन नो तुरंत फेम मिल गया, फिर ना मुझे हमेशा से वो इंटरेस्ट हमेशा रहा कि यू नो मैं अपने फेम को अच्छे पॉइंट्स में यूज करूँ। तो द फैक्ट कि मैं एक स्पीकर भी हूँ, मुझे बुलाया जाता था यू नो प्रिजन रिफॉर्म प्रोग्राम हो गया, बच्चों ऑर्फनेज जाके बच्चों करो, ओल्ड होम, मैं ये सब भी थोड़े एक्टिव हो गए। तो यू नो यंग एज से मैं एक्टिविज्म में भी चलने लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ये सब करेंगे तो दूसरे यंगस्टर्स भी जुड़ेंगे, और तो मेरा भाई भी मेरे साथ जुड़ा। फिर उसके बाद मेरा भाई बॉम्बे आया, फिर उसको काफी सक्सेस मिला, वो धोनी के साथ, वरुण धवन, इन सबके साथ यू नो शोज कर रहा था, उसको एमटीवी चैनल वी के रियलिटी शोज मिल रहे थे। तो ये सब देख के मुझे भी लगा लेट मी ट्राई, क्योंकि ऑलरेडी तो मुझे फेम मिल चुका है ऑन अ लाइक यू नो रीजनल लेवल पे, तो आई थॉट लेट मी ट्राई ऑन अ नेशनल लेवल, क्योंकि नेशनल लेवल अगर हो गया ना तो समवेयर यू फील कि आपको नेशनल ऑडियंस भी जानता है, फेम भी दुगना होता है, तो हमेशा एक स्टेप ऊपर है। तो मैंने
एक दिन चुपचाप चार कपड़े लिए आ गई बॉम्बे. मम्मी पापा को नहीं बताया, मेरे भाई को भी उस बताया. और आई थिंक वहां से मैंने शुरू किया, क्योंकि वो नहीं छोड़ते ऐसे. क्योंकि देखो मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो क्या था कि तभी मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, ऐसा कुछ रहने का था नहीं जुगाड़. ओके, बगैर मुझे पता था कि थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे जाना है, वो कभी जाने नहीं देंगे. होता है ना, आपके सपने हैं तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे. मैं किसी के भरोसे कभी जीना नहीं पसंद करती. मैं बहुत बचपन से ही ना अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था, कि जो भी पॉकेट मनी मुझे मिला था ना, इतने सारे शूटिंग करके, रिबन कटिंग करके, ये वो करके, तो उससे मैंने फ्लाइट टिकट बुक किया. और यहाँ पे एक हॉस्टल था बॉम्बे में, तो मैंने वहां पे मेरी एक आंटी है, वो वहां की मेंबर है, उनको बोला, उन्होंने मेरे लिए जुगाड़ कर लिया हॉस्टल में रहने के लिए. एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि वहां पे ना आपको वर्किंग वुमेन्स का हॉस्टल था. मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, ठीक है, और मुझे काम वाम भी नहीं होगा कोई ऑफिस में काम करना. तो मैंने ना मगर मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना कुछ जॉब कर रहे हो. मैं एक्टिंग करने आई हूँ तो बॉम्बे में हर कोई आता है, तो मुझे ऐसे नहीं मिलेगा रहने के लिए. तो मैंने लाइक यू नो आई थिंक आई एम वेरी लकी, मुझे बहुत सारे एंजल्स मिले हैं लाइफ में जो बहुत सपोर्ट किए. तो फिर से पापा के ही कुछ फ्रेंड्स, मम्मी पापा के ही सारे कनेक्शंस मुझे दिखाए कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ एक कॉलेज में, अंबेडकर कॉलेज है वडाला में बॉम्बे में. तो ऐसे करके तो यू नो वो लाइफ काफी स्ट्रगल वाला था, बट मेरा मुकाम था यू नो बॉलीवुड के लिए. तो यू नो काफी ऑडिशंस दिए हिंदी में, मैं सिलेक्ट हो गई थी. फिर रिजेक्शन भी मिलता था. फिर मेरा भाई एक बार गया था डब्ल्यू फिल्म के ऑडिशन के लिए, उसमें जो लड़के चाहिए थे वो रेपिस्ट वाले लड़के थे, लाइक अच्छे लड़के जो कि रेप करते हैं, और वो थोड़ा टफ लुक चाहिए था. वो थोड़ा सा स्वीट चॉकलेट बॉय है, तो यू नो उसको भी वैसा रोल पसंद नहीं था. बट लड़कियां जो थी उसमें से एक एक्टर था जो उसे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ. उसने मुझे फोन किया कि डब्बू मलिक जी के घर पे ऑडिशन हो रहा है, आ जा. तो मैं भाग भाग के अपना सारा काम भाग के गई और ऑडिशन दिया. 600 बच्चों के बीच में मैं सिलेक्ट हुई. फिर ना जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, 600 के बाद 500, फिर 400, ऐसे के बीच में मैं सिलेक्ट होते 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 आगे गई. फिर मुझे वो फिल्म में एक्ट करने का मौका मिला. रूही के किरदार में मैंने हिंदी फिल्म में यू नो डेब्यू किया, और ये मेरे ड्रीम थी. पता है मैं बचपन से सोचती थी मैं बॉलीवुड फिल्म में काम करूं. क्या कौन सा फिल्म था? डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ, रूही मलिक उसका नाम. डब्ल्यू हाँ, डब्ल्यू हाँ, 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 हाँ. तो ये जो डब्ल्यू था ना, डब्ल्यू फॉर वुमेन. ओके, और ये स्टोरी वही है जो कि आजकल चलता है. हाय मेगा माइंड, कि यू नो लड़कियां कैसी सोसाइटी के दबाव में यू नो अपना आइडेंटिटी खो देती है, बट उनके फ्रेंड्स ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए यू नो हौसला देते हैं. तो बहुत ही प्यारी फिल्म थी. एंड मगर सब न्यू थे उसमें. तरुण चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था, एंड मेरे साथ कोस्टार्स सबका डेब्यू था. बहुत ही प्यारे कोस्टार्स थे. डब्बू मलिक जी इस फिल्म के को राइटर भी हैं, प्लस म्यूजिक कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं. अमाल अरमान भी हमारे साथ थे. सैगल साहब ने प्रोड्यूस किया. तो यू नो ये जो बहुत ही स्ट्रगल से मैंने लाइफ शुरू किया, लेकिन मैंने ओरिस्सा में पूरा ना सक्सेस देखा, बट मैं फिर से जीरो से शुरू करने की कोशिश किया. Without any support, without any, you know, godfathers, खुद ही किया. बट यही होता है लाइफ में, अगर हमें कुछ अचीव करना है तो ठोकर खानी है, कुछ साल वेट करनी है, फिर जाके हमें सक्सेस मिलता है. फिर मुझे तमिल, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, बहुत सारे भाषाओं में एक्ट करने का मौका मिला. रूही मलिक का जो आपका किरदार था, किस तरह का क्या रोल था उसमें, क्या किरदार रहा आपका? रूही मलिक जो थी वो एक घरेलू लड़की है जो ख्वाबों की दुनिया में रहती है. उसे लगता है कि उसका जो फियांसे है उसे शादी हो जाएगी, उसके मंगेतर है साहिल, उसे शादी हो जाएगी. फिर यू नो वो बस उसे जिंदगी भर प्यार करेगा, वो खुश होगी, बच्चे हो गए, यही था उसके जिंदगी का गोल. और उसका एक इवेंट कंपनी है, उसका नाम है डब्ल्यू. बट ऐसा होता है कि जब रेपिस्ट उन्हें किडनैप करते हैं, साहिल उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है. उसको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप यहीं पे मरो या फिर
अपनी लड़की को, अपनी मंगेतर को यहाँ पे छोड़ो, रूही को यहाँ पे छोड़ो और भागो जिंदगी के लिए, और वो भाग के चला जाता है। तो ये मोमेंट रूही के लिए बहुत ही इमोशनल था कि जिसके साथ वो शादी करने वाली थी वो उसको वही पे रेप होने के लिए छूट के चला जाता है, तो वो टूट पड़ती है। बट उसके जो फ्रेंड्स है ना, ये जो दो फ्रेंड्स है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स है सैंडी और मनु, वो उसे हौसला देते हैं लड़ने के लिए। एंड मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ ये सोचते हुए कि उसमें ना ऐसे दिखाते हैं कि उसके बाद ना वो गाना गाते हैं स्टेज पे, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। अमन हाय। सो यू नो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है रियल लाइफ में, जब गिरने के बाद उठते हैं। बाना जा मौसी नमस्ते। हाँ सो यू नो ऐसे बहुत सारे लाइफ में स्टोरीज होते हैं कि, एंड यू नो इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले कि मैं अपने आंखों से इमोशन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करी थी, जो कि एक्चुअली बहुत वेज में सच भी था, क्योंकि मुझे अपना स्ट्रगल याद आ रहा था कि कैसे यू नो हमें अपने आप पे यू नो भरोसा रखना चाहिए, तभी जाके हम ना एक बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद उठ सकते हैं। और जो कि मेरी जिंदगी का भी ऐसा सफर रहा है कि मैं हमेशा ऊपर जाती हूँ फिर नीचे गिरती हूँ, मगर मैं फिर से वहां से उठने की कोशिश करती हूँ, फिर अपने आप को उठाती हूँ। तो आई थिंक मैं अपने लाइफ को स्नेक्स एंड लैडर्स के साथ यू नो हमेशा कंपेयर करती हूँ। हम हमेशा 99 तक चले जाते हैं स्नेक्स एंड लैडर खेलते वक्त, और फिर पटा करके नीचे आ जाते हैं। तो मेरी जिंदगी काफी ऐसा हुआ है, बट यू नो मैं कभी हौसला नहीं खोई हूँ। अंदर मेरा बहुत मोटिवेशन है कि ये करना है वो करना है, तो इसीलिए मैंने अपना टॉक शो भी शुरू किया। सुधार यू नो मैं काबिल हूँ अपना ख्याल रखने के लिए, मैं खुद अपने प्रोजेक्ट्स भी प्रोड्यूस भी करती हूँ, मेरे साथ फ्रेंड्स भी है जो कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो या उसी साल आपने एक तेलुगु मूवी भी शायद काम किया था 2014 में ही, वो कौन सी मूवी थी उसके बारे में बताना चाहें? ये मूवी जो है, हाय राज, यू नो ये जो मूवी है ये था शिवाजी के साथ। इस फिल्म का नाम था चिसनोड़ी के चिसनता, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा है उसका हिंदी मीनिंग। तो ये बात ऐसा था कि ये फिल्म में भी ना कोई एक्ट्रेस बीच में छोड़ के चली गई थी, और शिवाजी ने मेरा कोई यू नो सॉन्ग देखा था, क्योंकि मैंने जो म्यूजिक वीडियोस किए थे ना, मैंने आई थिंक मोर देन 250 म्यूजिक वीडियोस किए हैं, और आधे में ना मैं बस आंखों से ही ऐसा 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 यही करती रहती हूँ। तो हमेशा रोमांटिक रोल से मिलते हैं मुझे, तो उन्होंने मुझे कहीं पे देखा था। थैंक यू दिवेश, थैंक यू, हाय हिरण। तो यू नो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहीं देखा था और बोला कि ये लड़की कौन है उसको लाओ शूटिंग करते। तो मुझे आज फोन आता है कि कल आपको जाना है, आपका टिकट बुक्ड है, शिवाजी के साथ फिल्म है, फैमिली फिल्म्स होते हैं उनके। तो ये मेरे लिए काफी बहुत बड़ी बात थी, शिवाजी के साथ एक्टिंग करने का मिला, एंड ही सच अ बिग स्टार। आई थिंक चिरंजीवी के भाई भी थे उसमें, नागा बाबू, एंड बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। तो आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि लेकिन वो कहते ना अपने, मैंने रिस्क लिया लाइफ में, फिर मेरे लिए दरवाजे खुलने लगे। क्या उसमें क्या रोल था आपका, क्या किरदार था? मेरे किरदार का नाम आई थिंक मेरा सेकंड लीड में था, दो लड़कियां ही थी फिल्म में, और मैं एक बड़ी घर की यू नो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ, एंड यही स्टोरी था। एंड मुझे वो पसंद करता है, मैं उसकी बॉस हूँ हीरो की, एंड मैं उसे बताती नहीं हूँ कि मैं बॉस की बेटी हूँ, मैं एक्ट करती हूँ कि मैं ज्वाइन करने आई हूँ जॉब के लिए, ऐसे कुछ है यू नो कॉमेडी था एक्चुअली। फिर वो मुझे इम्प्रेस करता है, फिर यू नो लाइक ऐसे था, बहुत सारे लाइक कॉमेडी था, एंड आई लव्ड इट, लाइक ओ गॉड आई लव्ड शूटिंग फॉर दैट। और तमिल में भी शायद आपने कोई मूवी किया है 2016 के आसपास? अभी हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि अभय देओल जी ने एक तमिल फिल्म बनाई है, और बॉबी हाय ओके हजर हाय, सो ओके कुछ नाम ऊपर चले गए, बॉबी हाय। सो यू नो व्हाट हैपेंस कि ये अभय देओल जी जो है वो एक तमिल में फिल्म बनाए इद्दु वेदालम सोलम कदई, और उसमें मेरा एक एक्शन हीरोइन का रोल है। सो बहुत मजेदार फिल्म है,
हमें ऑफ कोर्स कुछ रिवील करने का ये नहीं है, लेकिन लुक्स वगैरह मैं इतनी तड़प रही हूँ वो लुक्स दिखाने के लिए ना, बहुत ही सॉलिड है मुझे ना वो जो एक्शन हीरोइन बनने का शौक है, ये सब यू नो एवेंजर्स ये सब देख के, आयरन मैन वगैरह देख के। हाय सौम्यजीत, तो सो यू नो इतने उसमें सारे क्या, तो आई थिंक उसमें मेरा नाम है मोहा, ओके इसमें मेरा नाम है मोहा माइनी, हाँ, और मेरे तेलुगु फिल्म में मेरा नाम था एंजल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो शिवाजी के फिल्म में मेरा नाम था एंजल एंजल और क्योंकि मेरा रोल ही वैसा होता है कि हीरो थोड़ा सा यू नो कंफ्यूज रहता है, मैं उसे गाइड कर रही हूँ, जो कि मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ, फाहिज हाय, विजी डांसर हाय, सो यू नो रियल लाइफ में भी वैसी हूँ मैं, लोगों को हेल्प करती हूँ, अगर मैं किसी को प्यार भी करती हूँ, अगर वो किसी को प्यार करे वो फिल्म में वैसा ही है, वो किसी को प्यार करे मैं अपना प्यार सेक्रीफाइस करके उसको हेल्प करूंगी उस वो प्यार पाने के लिए। हाय संकेत, फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत, जैसा कि आपने बताया। जैसे हाँ, जो एक्चुअली क्या था कि मैं जो आ गई दुर्गेश, हाय संकेत, हाय, सो यू नो ऐसा था ही पहले क्या होता है ना, हम थोड़ा रिस्क लेंगे, फिर उसके बाद मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि अपने मॉम डैड को प्राउड करो, ठीक है, और मैं बस मॉम डैड को नहीं, पूरा यू नो कम्युनिटी को, खानदान को, अपने यू नो स्टेट को, अपने नेशन को प्राउड करने का हमेशा थॉट रहता है मेरा। तो जैसे मैं आई, फिर ये फिल्म्स होने लगी, ये वो होता रहा, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, बीबीसी का एक स्कूल है चेन्नई में, वो एशिया का नंबर वन स्कूल है, और वहां पे ना उन्होंने लाइक पता है वहां पे इकोनॉमिक्स में मेरा लाइक यू नो बहुत कम मार्क्स आए थे, बट मेरा ऐसा था थिंकिंग वाओ देवेश इज अ जर्नलिस्ट, तो मेरा क्या थिंकिंग था, एक बैकअप प्लान होना चाहिए, कभी एक्टिंग का मौका अगर हाथ से निकल जाए तो यू नो मेरे पास एक जॉब है, और मेरा हमेशा से टॉक शो होस्ट बनने का शौक था, तो अपने लिए एक यू नो सॉलिडिटी रखने के लिए जिसे ना लोग मुझे सीरियसली लिए, मैंने जर्नलिज्म किया, तो वहां पे ना मेरे सिलेक्शन के टाइम में भी ना मुझे एन राम जी जो है वो हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर है, फाउंडर है, उन्होंने कहा तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, तुम्हें अवार्ड मिला है श्री सुरजीत सिंह बनाला सिंह जी से, ही वॉज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, मैं वहां पे भी जाके प्लांटेशन प्रोग्राम वगैरह किया था, वहां के स्लम्स के लिए मैंने आवाज उठाया था, यू नो मैंने वगैरह काम किया था, तो इसीलिए क्या हो गया कि मुझे वहां पे गवर्नर अवार्ड मिला था, तो ये सब देख के मुझे वो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उन्होंने कहा कि हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे कॉलेज आ रहे हो। आपको पता है मैंने वो कॉलेज में जर्नलिज्म के टाइम पे एक डिसर्टेशन लिखा ब्लैक लाइव्स पे, ओपरा विनफ्रे ओबामा पे, ओ माय गॉड, वो देखने के बाद ओबामा फॉलोड मी ऑन ट्विटर। तो आपने ग्रेजुएशन कब किया था, चेन्नई में कब की बात है? ये लेकिन हो गया 5 इयर्स, 2015 में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा चेन्नई का, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का ग्रेजुएशन का, कॉलेज का? हमारे कॉलेज में ऐसा था कि बाहर के या संगीत सही है राज क्योंकि विनय मैंने कटक भी से बोले हाँ ग्रेजुएशन अपना क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन अपना चेन्नई से ही किया, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको भी हमारे कॉलेज में कैसा था कि ज्यादातर पूरा सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे वाले थे हमारे कॉलेज में, बिकॉज बहुत मिनिस्टर्स के बच्चे थे, ओके, हमारे साथ पढ़ाई करे थे, वो भी हमारे कॉलेज आते थे, मैं भी जैसे एक सेलिब्रिटी थी हमारे कॉलेज में, बट मैं सेल्फ मेड थी, वो कुछ जो थे वो किसी के बच्चे थे, बट यू नो बहुत ही फेमस ऐसे थे वहां पे, और वहां पे और क्या चल रहा था कि दूसरी कंट्रीज के बच्चे भी थे, यू नो जैसे मालदीव से, जर्मनी से, वीजी थैंक यू योगेश हाय, सो यू नो जर्मनी, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज से, यू नो उनके जो टॉप जर्नलिस्ट है उनको उनके गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड देके हमारे कॉलेज में भेजा था, तो यू नो जो कहते हैं ना सबसे हार्ड वर्किंग
टॉप बच्चे हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे. इवन मेरे फ्रेंड्स ना उनके गवर्नमेंट के साथ ना बात करते थे इंडिया के बारे में, श्रीलंका के भी स्टूडेंट्स थे. तो व्हाट वाज हैपनिंग इज वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, उनको वो अपडेट्स देते थे कि इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो मजा आता था, वो मुझसे भी बात करते थे. वो बोलते थे कि ये हमारी फ्रेंड है, वो एक्ट्रेस है, तो उनको भी मेरे लिंक्स भेजते थे. तो ऐसे मजा आने लगा कि तो आप चेन्नई घूमती थी कि नहीं वहां पे? गई हूँ मैं ज्यादा, बट यू नो मेरा कैसा रहता है, मैं बहुत पढ़ाकू टाइप हूँ. अगर मैं वहां पे पढ़ने के लिए गई हूँ ना, असाइनमेंट्स कैसे खत्म करूँ, ये मेरा टारगेट था. तो दिवेश आपका ये सवाल है, तो मेरा मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया था और मैंने चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह का कवर किया था, प्लस हेल्थ जर्नलिज्म किया था, सिनेमा किया था, बट मुझे ज्यादा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अच्छा लगा था. एंड इसीलिए मेरा टॉक शो वगैरह में मैं वही दुनिया भर के सारे यू नो चीजें कवर करती हूँ. राज थैंक यू. सो यू नो ऐसा होता है कि बहुत सारे, मैं जब थी ना चेन्नई में तभी मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते अरिस्सा से हो, यू नो कहाँ है अरिस्सा, हमें नहीं पता वहाँ के एक्टर्स, यू नो ऐसे मेरा मजाक उड़ाते थे. फिर ऐसा हो गया कि यू नो दिमाग में रह जाता है कि यू नो कुछ करके दिखा रहे उनको और अचीवमेंट्स करो लाइफ में. उनके साथ मैं झगड़ा नहीं करती थी, मैं हमेशा अपने काम से लोगों को प्रूव करती हूँ. तो धीरे धीरे मेहनत किया, लाइक इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लू टिक भी यू नो नेचुरली ऑर्गेनिकली मिला. इतने सारे लैंग्वेजेस में एक्टिंग किया, दैट टू मेन लीड हीरोइन होके, और मेरी फिल्म में सुपर हिट रही रंगपति रंग रसिया. मराठी में अभी फिल्म किया. तो यू नो मैं अपना कोशिश कर रही हूँ खुद अपनी मुकाम बनाने के लिए. प्लस मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ कि मुझे इनके तरह बनना है उनके तरह बनना है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यू नो कोई रास्ता दिखाने के लिए है नहीं. और लोग बहुत जल्दी भी बता देंगे अरे ये नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा. तो मैं लिमिटेशन में बिलीव नहीं करती. मैं देखता हूँ कि आपके मम्मी और पापा हमेशा आपके साथ, मतलब कई बार देखा हूँ मैं पार्टीज में इवेंट्स में आपके साथ रहते हैं. कितना सपोर्ट मिलता है आपको जब साथ रहते हैं, तो फिर कैसा फील होता है? तो यू नो जैसे आपने कहा आप भी तो मिले हो आई थिंक मेरे मम डैड से कई बार, बहुत सारे इवेंट्स में. तो यू नो अच्छा लगता है उनको भी. क्या होता है कि जब मैं अभी बाइकला कॉलेज गई थी एज अ स्पीकर गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, जो भी मुसीबतें आए कैसे आगे बढ़ते रहो, हाय अर्धेंदु. तो ये सब जब मुझे ना ये सब तालियां बज रहे हैं मेरे लिए, मुझे गेस्ट करके नवाजा जा रहा है, ये सब मोमेंट्स में मुझे लगता है कि मेरे मॉम डैड ये सब लाइव देखे तो उनको बहुत गर्व होगा कि यू नो बेटी ने खुद अपना लाइव डिसीजन लिया. हाय आशीष. तो यू नो और वो अचीव भी करे. आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पेरेंट्स टू रियलाइज कि कभी कभी, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, तो उनको खुश देखना भी मुझे पसंद है. तो यू नो मुझे जब सारे यू नो फैसिलिटीज मिल रहे हैं तभी अच्छा लगता है कि उनको भी वो सब फैसिलिटीज मिले, एंजॉय करें. अभी वो आपसे मिलने आते हैं या फिर आपके साथ शिफ्ट हो गए हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं हमारे साथ बॉम्बे में. अच्छा अभी शिफ्ट हो गए हैं? हो गए हैं. जब अच्छा अच्छा जब आप पहली बार यहाँ पे आई थी वहां से भाग के 4-5 सेट कपड़े लेके, उसके बाद जब पहली बार मम्मी और पापा दोनों लोग आपसे मिले थे तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली सब रो रहे थे. मैं भी जब भाग के आई ना ऑफकोर्स भाई को पता था, बट यू नो मॉम डैड को पता था कि मैं उसे मिलने जा रही हूँ, उनको पता नहीं था कि मैं एक्चुअली प्लान बना चुकी थी वहां रहने के लिए. ओके गुड जॉब दिवेश. तो यू नो ऐसा था कि जब मैं फ्लाइट में बैठी थी मैं बस रो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ बट उनको पता नहीं है. हाय शिवा. तो जब मिले ना कुछ दिनों बाद वो पूरा इमोशनल हो गए थे हम सब, लाइक यू नो जैसे फिल्मों में होता है ना आधा घंटा इमोशनल क्राइंग, यू नो इच अदर को पकड़ के रोना, फिर यू नो फिर सांस लेने वक्त यू नो दिक्कत होता है, वैसा वाला फीलिंग था, पूरा फिल्मी फिल्मी था. तो
आशीष, अब देखो ये इंटरव्यू मैंने तो बहुत क्या होता है कि वी ये आप भी जानते हो कि जब आप खुद कुछ करना चाहते हो बहुत डिफिकल्ट होता है वो सब फॉलो करने में, अपने ड्रीम्स फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो आई थिंक स्ट्रगल करते रहो और फिर उसके बाद सक्सेस मिलता ही है, बट मुश्किलों के साथ मिलता है। तो अगर हाय अजहर, तो अगर लोग रेडी है तभी वो कर सकते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है। एक्चुअली आसान बॉलीवुड नहीं है में क्योंकि लोग आप यहाँ पे बॉलीवुड में आई हुई हैं काम करने के लिए, क्या लगता है कि फिल्में इजी में मिलते हैं मिल जाते हैं या फिर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाय राज, यस, या देवेश, सही है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग कंटिन्यूअसली आपका काम देख रहे हैं कि आपको ये फिल्मों में पोस्टर में दिख रहे हो, आपकी फिल्में हिट जा रही है, आपकी फैन बेस है। तो मैंने क्या किया कि जब बॉम्बे में मुझे अगर नहीं मिल रहा था तो मैंने दूसरे शहरों में किया और मेरी फिल्म सुपर हिट गई, मेरी फैन बेस अच्छी बन गई। तो जब मेरी पैन इंडिया फैन बेस बन गई, अभी मुझे हिंदी में मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, अभी मैं गुजराती में मेरी फिल्म आ रही है एंड हिंदी में मैं भी अभी एक फिल्म शूट करने वाली, लाइक आधा शूट हुआ था, एसिड अटैक विक्टिम पे। बहुत प्यारी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो एसिड अटैक सर्वाइवर बोला जाए बेटर है। तो बहुत प्यारी, ये हिंदी में ही था। तो धीरे धीरे होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट भी करते हैं, बट ऑफकोर्स बहुत सारी फिल्में बनते हैं और रिलीज होना भी इजी होता है, नहीं होता है, बट अच्छा है, अभी थोड़ा बेटर हो गया है, काम मिल भी रहे हैं। और हाँ, जैसे अभी आशीष बोल रहे हैं वेब सीरीज कर सकते हो, तो मेरे तो अभी 3 वेब सीरीज का वो डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक ऐसा था कि ये जो लॉकडाउन खुल जाता अगर नहीं 3 को, तो मैं शायद अपना वेब सीरीज शूटिंग कर लेती। तो अभी पता नहीं, अच्छा है शायद मे बी जून जुलाई तक अपना वेब सीरीज शुरू करे। बट आई थिंक सौरव, हाय, चलता रहता है, खुद ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मेडिटेट करना पड़ता है, जी सेइंग हाय। सो ये सबका एक अलग वर्ल्ड है एंड सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट को हाँ किया जाए, किसको ना किया जाए। कभी कभी और क्या होता है, पता है ना वीर, ये भी एक चीज है कि जब आप फिल्मी फैमिली से नहीं हो, आपके पास ये जो स्टार्स आपके सर पे अगर हाथ नहीं रखे हैं, तो आपको बहुत बोल्ड कंटेंट आता है कि ये बोल्ड सीन है, वो बोल्ड सीन है, वो करो वो करो, मगर मैं वो सब करना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए, मुझे, मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती कि मैं बोल्ड करके फेमस हूँ, क्योंकि मुझे वो इमेज पसंद नहीं है। मुझे हमेशा फैमिली ऑडियंस वाला इमेज पसंद आया है, जैसे अगर मेरे पापा है, मेरे भाई है, वो सब मिलके देख सके। ऐसा नहीं कि वो, आई थिंक यू गेट इट। तो जब आप बोल रहे हो ना बिग बॉस भी ट्राई करो, वहां पे भी इतनी नेगेटिविटी है, मुझे पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तो आई थिंक लेट्स सी कि देखो क्या है कि कभी कभी ना बहुत सारी चीजें हैं, हमें लगता है कि वहां से हमें फेम मिलेगा, मगर हो सकता है कि हम मेहनत करें, धीरे धीरे वो फेम मिल ही जाएगा अपने तरीके से, रिस्पेक्टिवली। एंड आई थिंक दिनेश, हाय। तो वीर, ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है लड़की है, एक्ट्रेस है, चीप होगी, कुछ भी कर लेगी, बट मेरा वो सब थिंकिंग नहीं है कि कुछ भी कर लेगी, मुझे वो रिस्पेक्ट के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो कभी आप कभी काम के लिए बॉलीवुड में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे बॉलीवुड में हमेशा होता है कि मी टू या फिर कुछ गलत इमरान, नजरिया से देखते हैं, आपके साथ ऐसा कभी वो हुआ या नहीं, आया नहीं? क्या क्या, जैसे बॉलीवुड में हमेशा से एक ट्रेंड चलता है, चलता आया था कुछ दिन पहले कि मी टू, जो नए एक्ट्रेस आती हैं उनके साथ लोग कुछ गलत निगाह से देखते हैं या फिर हैशटैग मी टू, इस तरह का कुछ आपके साथ कभी कुछ हुआ? कहा जाए तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ मेरा भाई भी है। मैं उसको बोलती हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ होता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं बोलूँ कि मुझे आज ऐसे किसी ने कहा ऐसा फिल्म करोगे तो ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं ये सब चीजों में फंसना नहीं चाहती हूँ, और इसीलिए तो मैं पढ़ाई किया है, इसीलिए मैंने जिंदगी में इतना पढ़ाई किया है, सो दैट मैं स्ट्रांग डिसीजन ले पाऊँ। ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे
यूज करके थ्रो कर सके. मैं कभी किसी के लिए ऐसे इजी नहीं बनी हूँ. और हाँ, मीटू वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट आई थिंक हम अगर अपने आप को अच्छे से रखे तो यू नो कोई हम पे उंगली भी नहीं उठा सकता. और सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो सपोर्ट करते हैं अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ. क्योंकि आजकल कैसे हो क्या ना, बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस में ना हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, तो उनकी वाइफ भी होती है. हाय अनिल, हाय डैनी, मिंट एंड रोज, हाय. सो आई थिंक लड़कियों के लिए भी कंफर्टेबल हो गया है कि अगर आप अच्छे हो आपके साथ लोग काम करना भी पसंद करते हैं. आशीष, तो यू नो अभी अभी ऐसा भी हुआ है कि यू नो लड़की अगर ज्यादा हो रही है. दिनेश, हाय. सो ऐसा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ना लड़की चीप होके बोल रही कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं रात को मिलूंगी, ये वो सब, या यू नो जो मैरिड लोग उनके साथ अफेयर करते हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके साथ ना कोई दिखना चाहता है या उनके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि इमेज खराब हो जाता है. और आजकल सोशल मीडिया के वर्ल्ड में ना ये सब करने से इमेज बहुत जल्दी यू नो लाइक दिखता भी है. कोई भी फोटो क्लिक कर देगा, इमेज खराब हो जाता है. तो आई थिंक बहुत अच्छा इमेज रखना जरूरी है कि यू नो ऐसा, क्योंकि अगर एक के साथ किया तो यू नो वो बात सबके साथ यू नो फैलने वाली है कि ये लड़की ऐसी चीट है, ये है. अगर आपने अगर नहीं किया है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. तो मैंने वैसा इमेज रखा है, मैं किसी के साथ वैसे यू नो काम के लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं फंसूंगी, और मुझे किसी के साथ लड़ना झगड़ा नहीं है. मेरा कैसा है, आपके आपके विचार मुझे मैच नहीं करते हैं. आपको मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार. आप ऑलमोस्ट 10 साल से मुंबई में हो आप, या तो इस बीच में आपको इंडस्ट्री कैसे लगे? इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छे लोग हैं या ज्यादा बुरे लोग हैं? इंडस्ट्री में 50-50 है. बेसिकली अच्छे भी हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, बट यू नो मगर अगर आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कैसे है क्या है. अरबाज, हाय. यू नो लोग अच्छे हैं ज्यादातर, अच्छे हैं, बट कभी कभी लगता है कि इनके साथ काम ही ना करो, खुद ही डाउट है. हाँ, लेकिन वो देखो ज्यादा भी क्या होता है पता है ना, लोगों की बैड मेंटेलिटी भी है कि उनको लगता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा तो मेरे लिए क्या करोगी. सो यू नो ये थिंकिंग बहुत लोगों का होता है. और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आपका मेरिट है तो आपको काम मिलेगा. तो जो मेरिट के बेसिस पे काम करते हैं मैं उनके साथ करती हूँ काम. जो यू नो थोड़ा सा एटीट्यूड थ्रो करेंगे, अरे मुझे क्या मिलेगा, ये सब जो करेंगे हम उनके साथ काम नहीं करते. सिंपल है. आप तो इतने दिनों से हो तो आपको देख के अब फिर बातचीत से मालूम चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा. नए लोग जो आते हैं, नई लड़की आती है, उनको कैसे मालूम होगा? वो पता है, वो समझ में आ जाता है. हम लड़कियों को सब कुछ समझ में आ जाता है कि कौन यू नो बातों से समझ में आ जाता है कि कौन हेल्प करेगा. शुभकांत, हाय. यू नो वो तो एटलीस्ट यू नो एक यू नो एक दो बार बात किया, समझ में आ जाएगा कि ये बंदा आप यू नो आपको यूज करेगा या आपको यू नो काम देगा, तो वो समझ में आ जाता है. तो आई थिंक लड़कियों को वो स्मार्ट बनना चाहिए कि वो समझ पाए. बट ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियों को मजा भी आता है तो वो इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी उनका इमेज खराब हो जाता है, फिर वो पैकअप करके चली भी जाती है. यहाँ पे अगर टिकना है तो आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको अभी तक उससे बातचीत होती हो या फिर आप उसको मिस करते हो? मिस करती हूँ या तो अभी. हाँ, लेकिन वो ऐसा होता था स्कूल लाइफ में कि यू नो काफी क्रशेस होते थे मेरी. कविराज, हाय. हर्ष, सो यू नो ऐसा होता था, मेरे पापा प्रोफेसर हैं तो उनके जो स्टूडेंट्स होते थे उनको देख के मैं मेरे फ्रेंड्स क्रश करते थे, और वो लड़के ना हमारे घर पढ़ाई करने आते थे. तो यू नो मेरा हमेशा से एक एक्स्ट्रा यू नो लेवल रहता था कि वो हमारे घर आते तो यू नो वो मेरे दोस्त है. और ये लड़के उनसे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो स्कूल में कभी देख लिया, क्योंकि स्कूल के सामने कॉलेज था, बस वो सपनों में उन्हें देखते थे, मैं उन्हें अपने घर
with him. Hi, Chandni. I think अखिल हाय. तो इस ये सब टॉपिक्स पे हम अभी भी बात करते हैं कि नो जब मैं स्कूल में थी मैं यू नो हमें ना मुझे कैसा हमेशा से रहा है प्यार मेरे दिमाग में प्यार कैसा पता है दुनिया यू नो दूर से प्यार करो पास मत जाओ अगर वो बोल दिया ना आई लव यू प्यार खत्म. तो हम सब ना बताएंगे नहीं उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि यू नो उसे मैं पसंद करती हूँ. तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हमारा एक ग्रुप होता था और हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बॉयज होता था कि मैं वो लड़के को नहीं देखूंगी क्योंकि वो उसको पसंद करिए मेरी फ्रेंड अगर उस लड़के को पसंद करी तो मेरा चॉइस वहीं पे खत्म क्योंकि वो मेरे जीजा जी बगे. और ये सब सपनों में हाँ लाइक ना वो लड़की जाके उसे बात करी है ना कोई भी. कभी किसी ने प्रपोज किया होता था नहीं प्रपोज आई थिंक हमें मिले प्रपोजल्स बट यू नो वो सब जब कोई प्रपोज करता है ना हमें लगता था कि वो गॉड अब क्या करे यू नो वो जो रोमांस था ना जो सपनों वाली दुनिया में हम रहते थे वो खत्म हो जाता था. सो आई थिंक अभी भी हम फ्रेंड्स ईच अदर को फोन करके बोलते रहते हैं कि यू नो अभी उसके लाइफ में ये हुआ है वो हुआ है या फिर यू नो मैं किसी के साथ काम कर चुकी होंगी यू नो कोई फोटोज में किसी ने देखा होगा मेरे साथ कोई फ्रेंड्स को बोलेंगे ये लड़का मुझे तेरे लिए अच्छा लग रहा है बट तेरा क्या थिंकिंग है. सो यू नो ये मैच मेकिंग हमेशा चलता रहता है. मेरे फ्रेंड्स कई बार मुझे ना मिलाएंगे ये लड़का बहुत अच्छा है इसे शादी कर लो. मैं जाके देखूंगी भी कौन है. तो मेरी आई थिंक मेरी अभी हमेशा लड़का लड़के ढूंढते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स. तो यू नो ये होते हैं फ्रेंडशिप. और फिर कभी अगर मुझे पसंद आया लड़का मेरी फ्रेंड को पसंद आ गई. आशीष जी पूछ रहे हैं कि आपका करंट रिलेशन क्या है. अभी अभी नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है बहुत स्ट्रेसफुल होता है तो इसलिए मैंने अभी कुछ वैसे सोचा किया नहीं है कोई रिलेशनशिप स्टेटस. अभी फिलहाल सिंगल ही है क्योंकि आई थिंक सिंगल होने से एटलीस्ट काम पे फोकस कर सकते हो. अगर आगे बढ़ना है तो मुझे बहुत सारे गोल्स है अचीव करना है फिर मैं करूँगी. और मे बी मुझे जैसा पसंद है वैसे आई हैव नॉट मेट. हाई बिश्नोई अखिल. So, I think फिलहाल अभी लाइफ ऐसा अच्छा चल रहा है. तो अभी मैं बॉम्बे में हूँ गाइस. अभी आप बॉम्बे में हो मम्मी पापा मतलब लड़के ढूंढते हैं कि नहीं आपके लिए बोलते ही नहीं शादी कर लो. नहीं आई थिंक प्रपोजल्स हर दिन आते हैं और अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत प्रपोजल्स आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि घर पे माँ बेटा खाली बैठे हुए हैं बाप. आधे लोग तो यू नो आई थिंक कुछ लोगों का थिंकिंग ये है कि यू नो घर बैठे ही शादी करवा दो यू नो मंगनी करवा दो. तो मैं आधे कॉल्स को यू नो लाइक अभी मेरा कैसा थिंकिंग हुआ पता है मैं कॉल अटेंड ही नहीं करूंगी आप जो भी कर लो ओके. तो सो दैट वो बात आगे ही ना जाए. मेरी तो अभी अभी से ही वो यू नो क्या कहते हैं वो जो कुंडली देखना ये सब कर रहे हैं फैमिलीज. मगर मेरा फिलहाल मुझे बस ये लड़के फिलहाल शायद पसंद नहीं है जो मे बी मुझे अभी मुझे जो पसंद है आया नहीं है अभी आया नहीं है दुनिया में. नहीं नहीं आया नहीं है मुझे मिला नहीं है दुनिया में आया होगा नहीं तो मैं थोड़ा कोई बच्चे से शादी करूं. मुझे नहीं मैं उसे लेकिन हम दोनों की आंखों से लेकिन टकरार नहीं हुआ है आंखें नहीं मिली है. तो किस तरह का लड़का चाहिए आपको क्या होना चाहिए इसमें क्वालिटी जो मेरे फैन से ना चले और मुझे सोशल मीडिया वगैरह डिलीट करने ना बोले. हाय शिवानी हाय विनय. कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हुए हैं जो मुझे थोड़ा पसंद करते करते है ना मुझे बोलना शुरू कर लेंगे लाइक वो ना प्रपोजल स्टेज में जा रहे हैं या प्रपोज करने वाले हैं मुझे ना वो अपने पॉइंट्स बता देंगे कि तुम्हारे ना तुम्हारे इतने फैंस मुझे नहीं पसंद तुम डिलीट करो ये इंस्टाग्राम फेसबुक किसी से बात मत करो यू नो ये सब मुझे नहीं पसंद. आई थिंक आई वॉन्ट की वो लड़के में वो खासियत होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट करे कि यहाँ पे कुछ भी गुटरगो नहीं हो रहा है सबके साथ एक यू नो एक प्योर पावन सा बंधन है सबके साथ ऐसा किसी के साथ पर्सनल डीएम में हेलो हाय रिलेशनशिप वो सब नहीं हो रहा है. तो अगर जो ये बिलीव करे ट्रस्ट करे वो इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली ना मुझे वो पसंद है जो देश के लिए भी कुछ करे दुनिया के लिए भी कुछ भला करे. जैसे मैं आई थिंक बॉम्बे में बहुत सारे लड़कों को मैं बॉम्बे में काफी लड़कियों से हाँ आर्मी मैन
नहीं, आर्मी मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ जो हमेशा यू नो सोशल वर्क करे, लोगों के बारे में सोचे, यू नो वो सब थिंकिंग मुझे बहुत पसंद है. लाइक लाइक जैसे बॉम्बे में कैसा होता है कि ज्यादातर लोगों का होता है चलो पार्टी करते हैं, चलो यू नो ये करते हैं. मुझे ज्यादा पसंद है कि हम अभी क्या कर सकते हैं, जिससे यू नो जैसे बिल गेट्स की सोच है, वो कैसे वर्ल्ड के लिए कुछ कर रहे हैं, यू नो वैसा वाला थिंकिंग. जैसे अंबानी ये सब कैसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे, खुद का ग्रोथ हो रहा है, सबका ग्रोथ हो रहा है, यू नो बस खुद यू नो सेल्फिश लोग नहीं पसंद मुझे. तो आई थिंक क्योंकि मेरा हमेशा से सोशल वर्क इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहा है. कोई एक्टर का नाम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप ये सब खूबी देखती हो. कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसा पर्सनालिटी जिसको जिसमें लगता कि ये सभी चीजें है. ओह गॉड, आई थिंक सलमान, शाहरुख, अक्षय, कोई. आई थिंक अक्षय कुमार हैज दैट पर्सनालिटी, सलमान खान हैज दैट पर्सनालिटी, क्योंकि वो हमेशा देश के लिए कुछ कर रहे हैं एंड यू नो सबको सपोर्ट भी करते हैं. हाँ, ओनली वन पर्सनालिटी. अरे देखो सबके, मैं बोल रही हूँ इनमें पर्सनालिटी, जैसे इवन इवन अभिषेक बच्चन हैज दैट पर्सनालिटी, यू नो इवन लाइक सैफ हैज अलाउड हिज वाइफ टू एक्ट, ओके. एंड जैसे इवन इवन आवर यू नो जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो जो थॉट होता है सबके लिए कुछ करो, यू नो रिस्क लो, वैसा मुझे चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वैसा, बट यू नो इन सबके पर्सनैलिटीज का एक मिक्स जिसमें हो, मैं तो तुरंत मैं मिलूंगी तो मैं सीधा बोलूंगी मिली हूँ मैं ही नहीं. तो होगा आई बहुत जल्दी. हाँ, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे अच्छा अभी टाइम है फिर. ट्रैवल ट्रैफिक है हर्ष. हाँ, सो एक्चुअली होता है हर चीज का, यू नो मुझे वो फेरी टेल रोमांस वेडिंग बिना शादी के बाद ना, जब आप फोटोज देखो ना, बोलो कि वाओ क्या कपल है, कभी झगड़ा नहीं होता, यू नो इच अदर को सपोर्ट करते हैं हम, भगवान हाय. सो एंड यू नो पावर कपल हो, यू नो मैगजीन्स में निकल रहे हो दोनों को ना, बोले मुझे इसके मुझे लेस्ली की तरह बनना है और उसकी तरह बनना है, मेरा जो हस्बैंड होगा क्योंकि मिस्टर एक्स की तरह बनना है, यू नो वैसा होना चाहिए. दोनों अचीवर्स हो, यू नो हमेशा यू नो ट्रैवलिंग करे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे वैसे पसंद है. आई थिंक जैसे या एंड शायद कोई लाइव है अगर देख रहा होगा तो शायद उस कोई निकल जाए इसमें से, कोई बोलने लगे कि मेरे सारी क्वालिटी है, फिर क्या करोगे आप? तो फिर ठीक है, फिर हम फिर से उनके साथ एक टीवी आई थिंक आपके शो में करते हैं, पूरा उनको लेके आते हैं, फिर सबसे पूछेंगे ये क्वालिटीज मैच हो रही है या नहीं. तो एक एक दिन रखते हैं ऐसा शो कि देखते हैं कोई क्वालिटी ऐसा होता है कि नहीं किसी में. ठीक है, आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक बहुत अच्छा होगा, आई थिंक होता है कि हम सब ओके मजा आएगा, देखते हैं अगर ऐसा हो जाता. ऑनलाइन ऑनलाइन स्वयंवर करते हैं. ऑनलाइन स्वयंवर, ऑनलाइन स्वयंवर एक बार मिलके अच्छे से बात भी करना चाहिए. ये मुझे ना सोशल मीडिया पे ना देख के यू नो मैं सेलेक्ट नहीं करता. पक्की नहीं होगी, पक्की वाली नहीं, सिर्फ मतलब देखने वाले की क्वालिटी मैच करती है कि नहीं. ठीक है, हम लोग एक दिन ये शो रखेंगे. आप लोग को डेट बता दिया जाएगा, दिन बता दिया जाएगा, आप लोग अपनी क्वालिटी जरूर बताना. देखते हैं लेसी त्रिपाठी को कौन इम्प्रेस कर पाता है. हाय कुमार, हाय अखिल, सो दिस इज स्वीट. हाँ तो वीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप फिर से बात करते रहेंगे. आपको कब तक लग रहा है लॉकडाउन चलने वाला है? मुझे तो अब तो क्या बोला, ट्रेन की टिकट तो कटने लगी, अब फ्लाइट है, देखते हैं क्या होता है. लॉकडाउन तो मुंबई में रहेगा. आज हमारे आज बॉम्बे में मैंने सुना, लेकिन हमारे घर से ऐसे गुजर के गया फ्लाइट. नहीं, वो चलती है लेकिन वो इमरजेंसी है कुछ,
फ्लाइटें चलती हैं अभी, इमरजेंसी फ्लाइटें कुछ हैं जो आज से ट्रेन का टिकट बुकिंग हो रही है दिल्ली से उड़ीसा, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से अप डाउन दोनों है, दिल्ली से पटना, दिल्ली से कोलकाता, ऐसे करके मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ऐसे है। मुंबई से फिलहाल कोई ट्रेन नहीं चल रही है। भगवान प्रीतम क्या हो? हाँ तो इमरजेंसी अभी हो रहा है. हाँ ऑलराइट, तो ठीक है. वी नाइस टॉकिंग टू यू, तो नाउ विल गो. थैंक यू। प्रीतम ने क्या बोला एनीवेज मेरे समझ में नहीं आया, बट सबसे बात करके अच्छा लगा. बाय चलिए थैंक यू। और एक हिज चीज लास्ट का या क्वेश्चन, थैंक एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ओके लाइफ में आप क्या, लाइफ में आप पैसा कमाना चाहती हैं या फिर नाम कमाना चाहती हैं, फेम? फेम, क्योंकि फेम है नाम तो अपन, पैसे आते हाँ रहते हैं. क्लीवर क्लीवर पैसे होंगे एंसर। तो फेम का गारंटी नहीं है. ओके ओके थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे और ठीक फिर एक, थैंक यू, बाय है, आपकी सिस्टर्स को भी बाय. ठीक है. बाय, थैंक यू।